नमस्कार दोस्तों, ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ कि ये जो ALP और LP की जो जॉब है वो गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली रहती है। और गर्मी क्या, सर्दियों में भी दिक्कत तो है ही, गर्मियों में खास करके ये समस्या रहती है कि आप देख रहे हैं इस समय 14 बजे का टाइम है। नॉर्मल ये रेल का टाइम मैं बोल रहा हूँ, अगर वैसे नॉर्मल जो हम लोग बोलते हैं तो उस हिसाब से 2 बजे का टाइम है दोपहर के, ठीक है। और WAG 9 जो अपना इलेक्ट्रिक लोको है, इसमें मैं हूँ इस समय वर्किंग में। अब एक्चुअल में होता क्या है कि WAG 9 में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। इसका रीज़न है सीधा सा कि इसमें हवा जो है इधर उधर पास नहीं हो पाती ठीक से, और खिड़कियाँ छोटी छोटी रहती हैं, तो इस कारण जो है इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए, अगर मैं दिखाता हूँ आपको जो इसकी खिड़कियाँ हैं, ये देखिए, इधर भी गेट और छोटी सी खिड़की। अब डीजल इंजन अगर इसकी जगह होता है तो वो गर्मियों के लिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि उसमें जो है बड़ा जो केबिन होता है वो भी बड़ा रहता है और उसकी खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी रहती हैं, तो जिस कारण बहुत ठीक रहता है गर्मियों के लिए। अब आप जैसा कि ये देख पा रहे होंगे, पंखा लगा हुआ है, ये देखिए पंखा ये ज़रूर लगा हुआ है और बहुत तेज़ चल रहा है, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं आ रही। आप देखिए, मैं पंखे के एकदम सामने हूँ, अगर हवा ये बाल उड़ रहे हैं, देखो किस तरीके से, आपको इसी समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी तेज़ चल रहा है। जहाँ जैसे बाल हैं वैसे ही हैं ये, बस दो चार यहाँ बाल हिल जा रहे हैं, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि सिर पर पंखा लगा हुआ। एक और मज़ेदार बात इसमें यह है कि AC भी लगी हुई है, आपको दिखाएं, ये देखिए जो डक्ट है ना, ये आपको दिख रहे होंगे, एक मिनट अभी देखो बताता हूँ मैं, ये डक्ट जो हैं ये AC के हैं, ठीक है। यहाँ से AC लगी हुई है, ये तो ये AC ज़रूर लगी हुई है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये AC जो है ख़राब है। और ये कैब वन में हूँ मैं इस समय, कैब टू की ठीक है, ये बुकिंग इसमें लिखी हुई है कि कैब वन की AC ख़राब है। तो ये किस्मत भी थी मेरी आज कि जो कैब वन की AC ख़राब है, तो कैब वन ही हमको मिला है। और चलिए आगे का व्लॉग मैं आगे बनाऊंगा, क्योंकि सिग्नल हो चुका है, ठीक है, सिग्नल हो चुका है। चलिए मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, तो मुझको अब निकलना होगा। ये देखिए पीला दिख रहा होगा आपको, तो ये सिग्नल हो चुका है, आगे पॉइंट बने हुए हैं, तो हमको जाना होगा, इसलिए ड्राइवर साहब को बुलाते हैं हॉर्न बजा के। तो अब ड्राइवर साहब आ जाएंगे, फिर हम लोग निकलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे उस समय गाड़ी चल दी थी, सिग्नल लोअर हो गया था, तो जहाँ मैं खड़ा हुआ था वो स्टेशन मगरवाड़ा थी, ये कानपुर लखनऊ के बीच में पड़ती है। बीच में क्या, जब आप कानपुर से लखनऊ की साइड चलेंगे तो तीसरी स्टेशन है, दूसरी है कानपुर ब्रिज, फिर उसके बाद मगरवाड़ा, ठीक है। तो वहाँ से चल दिया था, अब मैं यहाँ कानपुर आ चुका हूँ, कानपुर सेंट्रल दिखाता हूँ मैं आपको, आपको भी दिखेगा ये बोर्ड से, ये देखिएगा कानपुर सेंट्रल में हूँ मैं इस समय। एक्चुअल में मैं जा रहा हूँ इस समय CPB, अनवरगंज कानपुर CPA, या हो सकता है कि GMC ले ली जाए गाड़ी, यहीं से दो रूट हैं कानपुर सेंट्रल से, एक GMC जाता है और एक जो है CPA जाता है, ठीक है। तो अब बात ये कर रहा था गर्मी को लेकर, अब इस समय मैं कैब टू में हूँ, इसका AC वर्किंग है, ठीक है, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये इसका AC वर्किंग है, लेकिन जब तक कैब टू से वर्किंग नहीं होगी तब तक ये चलेगा नहीं, ठीक है। एक्चुअल में जब वर्किंग हमारी कैब वन से हो रही है तो कैब वन का ही AC चलेगा, ठीक है। तो ये समस्या रहती है भाई, गर्मी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है ये नौकरी। और सर्दियां हैं तो डीजल इंजन, जैसा मैंने बताया कि गर्मियों के लिए डीजल इंजन ज़्यादा बेहतर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा
ठंड लगती है या ठंडा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रहता वो भी गर्म है लेकिन इसके मुकाबले कुछ बेहतर रहता है। अब ये सर्दियों के लिए तो अमूमन होता यह है कि सर्दियों में तो ज़्यादातर डीजल इंजन मिल जाएगा आपको, गर्मियों में ये मिलेगा, पता नहीं ऐसा क्यों है, या हो सकता है सोच हो मेरी केवल, लेकिन अपने साथ तो ऐसा ही हुआ है। गर्मी बहुत पड़ती है तो उस समय सोचो ये ना मिले तो यही मिलेगा, और सर्दियों में सोचो ये मिल जाए तो ये नहीं मिलेगा, तो ये सब रहता है, बस यही वर्किंग है। बाकी देखिए, काम नौकरी नौकरी है, करनी तो ही है, आज के टाइम में वैसे ही बहुत स्थिति ख़राब हो गई है, तो जो है बस बेहतर है, अच्छा है। बस ये है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता तो रहना चाहिए एटलीस्ट वर्किंग हमारी कैसी है, किन परिस्थितियों में आपको रहना है। ठीक है, गाड़ी किसी भी समय लगती है, दिन रात अगर आप रेस्टअप हो गए हैं हेडक्वार्टर पे या हेडक्वार्टर से बाहर तो किसी भी समय लग जाएगी, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। तो अपना खाने पीने का इंतजाम साथ में रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो गर्मी के मौसम में खास करके तरल पदार्थ पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, टफ वर्किंग है, बाकी सब कुछ ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर और किसी ब्लॉग में। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ में और सपोर्ट करिए, आप लोगों के प्यार से चैनल ग्रो करेगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।